हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रूपनारायण नसवाल आज आपके साथ में। आज हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि बीए सेकंड ईयर में आपके लिए दो प्रश्न पत्रों की व्यवस्था की गई है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसका कालक्रम है 1200 ईस्वी से 1761 ईस्वी के बीच में रखा गया है। और इस सिलेबस को तीन सेक्शनों में विभाजित किया गया है। पहला सेक्शन है सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी और तीसरा सेक्शन है सेक्शन सी। हम इन तीनों ही सेक्शनों के बारे में बारीकी से आज यहाँ अध्ययन करेंगे, क्योंकि सिलेबस के बगैर, पाठ्यक्रम के बगैर किसी भी विद्यार्थी का को अगर हम अध्ययन करने के लिए कह देते हैं तो वह एक प्रकार से ऐसे हो जाता है जैसे समुद्र में गोता लगाने के तरीके से। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी एक निश्चित मापदंड के अंतर्गत रह करके और बारीकियों से विषय का अध्ययन करें, और इसीलिए राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा आपके लिए जो सिलेबस की व्यवस्था की गई है उसको मैं आज आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की। सेक्शन ए के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो बिंदु आपके लिए आता है वो है दिल्ली सल्तनतकालीन स्रोतों का सर्वेक्षण। दिल्ली सल्तनतकालीन स्रोतों के सर्वेक्षण के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से अरबी जो साहित्य था उसके द्वारा भारत के अंतर्गत जो शासकों ने शासन किया और अपना सुदृढ़ीकरण किया या संगठन को आगे बढ़ाया, उनके हमारे को जो जानकारी प्राप्त होती है उसको हम कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में हम जो आपके लिए दूसरा अध्याय है वो है तुर्की आक्रमण एवं राजपूतों का प्रतिरोध। तुर्की आक्रमण, मैं आपको बता दूँ कि मध्यकाल का प्रारंभ ही मुस्लिम आक्रमणकारियों से प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले आक्रांता के रूप में आने वाले जो थे वो तुर्की थे, जिसके अंतर्गत अरबी सबसे पहले थे, जिनमें महमूद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया गया। उसके बाद में विभिन्न शासकों के द्वारा आक्रमणकारी के द्वारा आक्रमण किया गया, उसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी बड़े ही महत्वपूर्ण तुर्की आक्रमणकारी है। इन तुर्की आक्रमणकारियों का राजपूतों के द्वारा जो प्रतिरोध किया गया है उसका भी हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे कि किस तरीके से तुर्की आक्रमणकारियों में और राजपूतों में आपस में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में राजपूतों को जो असफलता मिली उसकी क्या परिस्थितियाँ थी, क्या कारण थे, उसका भी हम अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण आपके लिए अगला अध्याय है, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है और उसका सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास उसके आगे के जो शासक है, जिसमें इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, बलबन है आदि विभिन्न शासकों के द्वारा इसको सुदृढ़ीकरण जो प्रदान किया गया था, जिसका हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। इसके बाद में आपके लिए जो अगला अध्याय है वह है खलजी साम्राज्यवाद। खलजी साम्राज्यवाद के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी साम्राज्य की स्थापना की गई और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक बेहतरीन शासन आगे बढ़ाया गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में भारत और सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने का उसके द्वारा जो कार्य किया गया था उसका हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे तुगलक के नव परिवर्तनवाद की। हम इस अध्याय के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, महमूद बिन तुगलक के द्वारा और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भारत के विकास में और अपने राजवंश के विकास के लिए जो कार्य किए गए थे उनका हम बारीकी से अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। और इसके बाद में प्रांतीय राज्यों का उदय नामक जो अध्याय आपके लिए रखा गया है उसका भी हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, किस तरीके से महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में एक राजनीतिक कमजोरी की वजह से छोटे छोटे प्रांतीय शासकों ने या सामंतों ने अपना साम्राज्य स्वतंत्र कर लिया था, स्वतंत्र शासक के रूप में उन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया था, नवीन राज्यों की उत्पत्ति हुई, प्रांतों की उत्पत्ति हुई। उनमें दो महत्वपूर्ण प्रांत है, उनमें पहला है बहमनी प्रांत और दूसरा है विजयनगर प्रांत। तो बहमनी और विजयनगर प्रांतों के अंतर्गत जो उनका विकास हुआ, उनके शासकों के द्वारा, राजवंशों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं
उनका भी हम अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे, जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य और इन राज्यों का क्या योगदान रहा है, हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आपका यह ए सेक्शन समाप्त हो जाता है और अब हम अध्ययन करेंगे बी सेक्शन के बारे में। बी सेक्शन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मुगल कालीन स्रोतों का सर्वेक्षण। दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है, जिसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो विभिन्न मुगल शासकों के द्वारा जो शासन किया गया, कार्य किया गया, अपना जो योगदान उनके द्वारा दिया गया है, उनका अध्ययन हम करने से पहले मुगल कालीन स्रोतों का हम अध्ययन करेंगे। किस तरीके से अरबी, फारसी और स्थानीय भाषा जैसे संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, इनके अंतर्गत जो रचनाएं रची गई, साहित्यिक रचनाएं हैं, उनसे हमें किस तरीके से मध्यकालीन जानकारियां प्राप्त होती है, उनका हम स्रोतों के रूप में अध्ययन करेंगे। ग्वाले की स्रोतों को हम अध्ययन करेंगे, तात्विक स्रोतों को हम अध्ययन करेंगे, सिक्कों के माध्यम से हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, भौतिक साधन तत्कालिक समय जो हमें प्राप्त हुए हैं उनसे भी हम मुगलकालीन इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और एक स्रोत के रूप में उनका अध्ययन करेंगे और सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना का क्या है। मुगल साम्राज्य की स्थापना में हम देखते हैं कि किस तरीके से बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया गया किया और 5 वर्षों के अपने शासनकाल के दरमियान 1526 से लेकर के 30 ईस्वी तक उसके द्वारा जो शासन किया गया उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, उनका क्या योगदान है, किस तरीके से उन्होंने मुगल साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में किस तरीके से हुमायूं के शासनकाल में व्यवस्थाओं का दौर प्रारंभ हुआ, वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा, जैसा कि लेनकून ने भी कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। लेकिन हुमायूं के हाथ से राज्य चले जाने के बावजूद भी अंतिम समय में उसने पुनः मुगल साम्राज्य को प्रतिस्थापित करके इसको निरंतरता प्रदान करने का कार्य किया। बड़ी दिलचस्प घटना है जिसको हम आने वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे शेरशाह सूरी का उत्कर्ष, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित करके मुगल साम्राज्य को हटा करके और अपना अफगान साम्राज्य स्थापित कर दिया गया, सूर्यवंश की स्थापना कर दी। बड़ी दिलचस्प घटना है, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, बड़ा दिलचस्प इतिहास है। पढ़ने में भी हमें मजा आएगा और समझने में भी हमें मजा आएगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। शेरशाह सूरी के द्वारा अपने 5 वर्ष के शासनकाल में किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य किया गया था, वह आज भी भारतीयों के लिए और आने वाले लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उस प्रशासन की बारीकियों को और क्रियान्विति को हम समझने का प्रयास इस अध्याय में करेंगे आने वाली कक्षाओं में। इसके बाद में अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण का अध्याय आपके लिए रखा गया है, जिसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया, उसके द्वारा की गई विभिन्न विजय, जैसे मेड़ता के विजय है, रणथंभौर के विजय है, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण है, खानदेश पर आक्रमण, उत्तर में वह कश्मीर से लेकर के और नीचे खानदेश तक उन्होंने अपना विस्तार कर लिया था, बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरबी क्षेत्र तक उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इतना विशाल साम्राज्य जो अकबर के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया उसका भी हम अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है सुदृढ़ीकरण की, अकबर के द्वारा जो मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण किया गया उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके द्वारा जो भिन्न भिन्न नीतियाँ अपनाई गई उनका भी हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिससे कि मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण प्राप्त हुआ था। इसके बाद में आपके लिए अध्याय मुगल राजनीति में मुर्जा जनता की भूमिका। हम देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में अर्थात अकबर के शासनकाल के पश्चात उसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है और जहांगीर के शासनकाल में उसकी पत्नी नूरजहां ने पैरेलल एक पावर डेवलप कर लिया था, शक्ति डेवलप कर ली थी और जहांगीर के निर्णय नूरजहां गुट की वजह से प्रभावित होने लगे थे। तो किस तरीके से उसकी इस गुट की भूमिका रही है, नूरजहां गुट जिसके अंदर की खुर्रम यानी कि आने वाला जो शासक था शाहजहां वह भी इसका मेंबर था, आसफ था इसका मेंबर था, तो इस तरीके से ये जो सदस्य थे नूरजहां गुट का उसकी क्या भूमिका रही है, किस तरीके से इन्होंने
पॉलिटिक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, अपना प्रभाव दिखाया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसकी भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में राजपूतों, सिखों, दक्षिणी राज्यों, मराको, फारस एवं मध्य एशिया के प्रति मुगलों की क्या नीति रही, इसको भी हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मुगलों ने राजपूतों को अपने हक में करने का प्रयास किया, किस तरीके से दमन और शक्ति की नीतियां अपनाकर उन्होंने राजपूतों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया, सिखों के प्रति क्या नीतियां अपनाई मुगलों ने, दक्षिणी राज्यों के प्रति जो दक्षिणी भारत के विभिन्न राज्य हैं उनके प्रति क्या नीति अपनाई, मराठा के प्रति क्या नीति अपनाई, फारस एवं मध्य एशिया के प्रति मुगलों की क्या नीतियाँ रही और अपना साम्राज्य विस्तार करने में वो किस तरीके से सफल हुए, इन सभी बातों का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। आने वाली कक्षाओं में विस्तृत रूप से हम इस बात पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में है मुगलों की धार्मिक नीति। मुगलों की धार्मिक नीति कैसे रही थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जो ये मुख्य मुख्य शासक है, इनकी क्या धार्मिक पॉलिसियाँ थी, क्या धार्मिक रिलीजियस पॉलिसियाँ इनकी रही है, उनका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। और विशेष रूप से हम औरंगजेब और अकबर के की जो धार्मिक नीति है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उनके द्वारा कार्य किए गए धर्म के क्षेत्र में उनकी क्या पॉलिसी याद रही है, तो हम समझेंगे इस अध्याय के अंदर। इसके बाद में शिवाजी का उत्कर्ष और 1761 ईस्वी तक मराठा का विस्तार, इस तरीके से मराठा साम्राज्य का उदय होता है, शिवाजी अपनी महत्वपूर्ण शक्ति और इच्छा बल के आधार पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है और मुगलों को जो कि एक सर्वोच्च शक्ति थी उसको किस तरीके से चैलेंज करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है यह आपका, आपके लिए विद्यार्थियों को इसको पढ़ने में मजा आएगा और एक प्रकार से आइकॉन पर्सनलिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी शिवाजी के रूप में। और किस तरीके से मराठा का विस्तार हुआ 1761 तक उसका हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन। जितना बड़ा साम्राज्य था मुगलों के द्वारा, जितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया था, वह साम्राज्य एकाएक पतन में चला गया, जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठ गई थी और जिन्होंने अपने जड़ों का जाल फैला दिया था, पूरे भारत के ऊपर अपना साम्राज्य, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, वह विशाल साम्राज्य पतन के कगार पर कैसे पहुँच गया, वह अपने अपने प्रभाव काल की ओर कैसे बढ़ गया, उसके कई कारण हैं, कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ तात्कालिक निर्णय हैं विभिन्न शासकों के, उन सभी का हम बारीकी से अध्ययन इस अध्याय में करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपका 20 सेक्शन समाप्त होता है। अब हम अध्ययन करते हैं सेक्शन सी के बारे में। बड़ा महत्वपूर्ण है, आपका अंतिम सेक्शन है, आप इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि सिलेबस के बिना अध्ययन बड़ा बेमानी सा लगता है। मध्यकाल में राज शासन समाज अर्थव्यवस्था संस्कृति की विशेषता है और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन, यह आपके सी सेक्शन का पहला अध्याय है कि किस तरीके से मध्यकाल की मध्यकाल का मतलब है 1200 ईस्वी से 1761 ईस्वी के बीच का समय, इस काल में राज प्रशासन कैसा था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, संस्कृति की कैसी थी और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, सिग्निफिकेशन ऑफ All characters, all parts, उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, उनका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। किस दृष्टिकोण से करेंगे, आलोचनात्मक मूल्यांकन के दृष्टिकोण से करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण लेसन है, इसको हम आने वाली कक्षा में आप बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे और समझेंगे। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे राज्य की प्रकृति के बारे में। उस समय में, तात्कालिक समय में राज्य की प्रकृति क्या थी, राज्य का स्वरूप क्या था, किस तरीके से राज्य अपना विकास कर रहा था, राज्य के कार्य क्या थे, विभिन्न राजवंशों के शासनकाल में किस तरीके से राज्य उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा था, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मुगल राजत्व सिद्धांत को हम देखेंगे, हम लोधी राजत्व सिद्धांत को देखेंगे, अफगान राजत्व सिद्धांत को देखेंगे, बलबन के राजत्व सिद्धांत को देखेंगे, सब इस अध्याय के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर हम फोकस करेंगे, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ मुगल काल में, सल्तनत काल में, इसके बाद में कृषि व्यवस्था हुआ, किस तरीके से विकास हुआ
उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के ऊपर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। इकोनॉमिक साइड से कृषि का क्या विकास हुआ, कृषि के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या उसकी विशेषता है कि उद्योग धंधे कितने पनपे, व्यापार किस तरीके से है ना जो उत्कर्ष से पहुंचा, बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ जिसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, और नगरीय केंद्र किस तरीके से बिजनेस सेंटर डेवलप हुए उनका भी हम बारीकी से अध्ययन इस अध्याय के अंदर करेंगे। इसके बाद में जो आपके लिए बिंदु रखा गया है या अध्याय रखा गया है वह है समाज। समाज के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक वर्गों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें उलेमा है, कुलीन वर्ग है, कृषक वर्ग है, दास वर्ग है, जिसका बारीकी से हम अध्ययन करेंगे किस तरीके से उलेमाओं के द्वारा कार्य किए गए या यह वर्ग किस तरीके से प्रभावित था, मध्यकाल के अंदर कुलीन वर्ग का क्या योगदान है, किस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट रखता था, दास वर्ग का क्या योगदान था, ये किस तरीके से कार्य करता था, कृषक वर्ग किस तरीके से कार्य कर रहा था, इसका हम बारीकी से अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। इसके अलावा हम स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि मध्यकाल के अंतर्गत स्त्रियों की क्या स्थिति थी, पहले जो प्राचीन भारतीय काल था उससे इस काल में गिरावट आई या डेवलप हुआ उसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, उनके ऊपर उनकी स्थिति और परिस्थितियों में क्या क्या बदलाव हुए उनको हम जानने का प्रयास इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में भक्ति आंदोलन आपके इस पेपर का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इस काल का जो महत्वपूर्ण बिंदु है क्या हम देखें कि भक्ति आंदोलन एक अलग तरीके का मूवमेंट है यहाँ इस सिलेबस के अंतर्गत, क्योंकि इस काल में हम देखते हैं कि सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और जो हिंदू परंपराएं हैं उनसे अलग हटके यहाँ पर मुस्लिम परंपरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो एक प्रकार से ये जो हिंदू और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसके बीच में से एक भक्ति आंदोलन निकल कर के आया, और उसमें भी हिंदू धर्म में भी है ना जो एक पैरेलल एक मूवमेंट के रूप में भक्ति के दृष्टिकोण से एक आंदोलन तैयार होता है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से निर्गुण सगुण परंपरा का विकास होता है। तो क्योंकि इस काल में ही भक्ति के प्रभाव के कारण ही तुलसीदास जी ने अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की, जो जन जन तक पहुंच करके और एक मोमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य किया, कबीर के द्वारा किया गया कार्य आज भी हमें प्रभावित करता है, और विभिन्न भक्ति आंदोलन के में योगदान देने वाले विद्वानों और समाज सुधारकों का या धार्मिक लोगों का या धार्मिक सोच को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रेजेंट करने वाले लोगों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र धर्म का हम अध्ययन करेंगे या हमारे लिए सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद हम सूफी महाराज का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से सूफियाना अंदाज में संगीत और वाद्य यंत्रों के माध्यम से ईश्वर की इबादत करना प्रारंभ हुआ और एक नई तरीके से नई शैली में पूजा का तरीका निकल कर के आया, और भिन्न भिन्न संप्रदायों की स्थापना भी इसके अंतर्गत हुई, जैसे चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी, नक्शबंदी है, इन संप्रदायों का कायदेरी संप्रदाय हम अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। इसी प्रकार से सिख धर्म किस तरीके से गुरु नानक के द्वारा 1469 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, और उनके जन्म के पश्चात किस तरीके से उनके द्वारा जो सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, और वह न केवल भारत में अभी तो आज विश्व में ख्याति प्राप्त धर्म के रूप में प्रचारित और प्रसारित है, इसके बारे में भी हम अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे मध्यकाल के दृष्टिकोण से। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कला के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे स्थापत्य कला का, विशेष रूप से समझा की काल को स्वर्णिम काल माना जाता है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से, उसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। साहित्य की प्रगति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, किस तरीके से भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास इस मध्यकाल के अंतर्गत हुआ है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। चित्रकला का हम अध्ययन करेंगे कि चित्रकला के क्षेत्र में किस तरीके से प्रगति हुई है, कला के क्षेत्र में साहित्य का किस तरीके से विकास हुआ है, संगीत का किस तरीके से विकास हुआ है, और भिन्न भिन्न जो कलाएँ हैं उनको भी हम बारीकी से समझने का प्रयास इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे।
इसके बाद में जो आपका अंतिम अध्याय है सांस्कृतिक समन्वय हेतु प्रयास एवं सहमिश्रण संस्कृति का विकास, ये आपका अंतिम अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक समन्वय हेतु प्रयास, हम देखते हैं कि मध्यकाल के अंदर भारत में दो संस्कृतियां प्रेरण थी, हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति। वो दोनों ही संस्कृतियों की परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन और भाषा भिन्न भिन्न थी, लेकिन इन भिन्नता के बावजूद भी सांस्कृतिक समन्वय के प्रयास सजगता से होते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप भी हम देखते हैं कि एक सहमिश्रित संस्कृति विकसित हो पाई। भारत में हिंदू और मुस्लिम समन्वय से परिपूर्ण एक संस्कृति का विकास हुआ, जिसका भी हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। बड़ा बारीकी से हम इसको समझेंगे, कंसेप्ट फॉर्म समझेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में दिल्ली सल्तनत काल में और मुगल काल में विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ। तो इस तरीके से यह आपका सिलेबस आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे।